मैं कई चेहरों से वाकिफ हूँ। मैं पिछली बार मंगल तालाब आया था, CANRC का जो आंदोलन चल रहा था, जनगण मन यात्रा हमने बिहार के 3800 जिले में की थी। 19 जगह पे हम लोगों के ऊपर पत्थर से स्वागत किया गया था। तो हमने उस वक्त भी उनको कहा था कि तुम्हारे पत्थर से हम नहीं घबराने वाले, हमारे चाचा हैं दिल्ली में, उनसे पूछना, जितनी हमारी उम्र है उससे ज्यादा हमारे ऊपर मुकदमा है। और इसीलिए जब आपने कहा कि हम अशफाकुल्लाह खान के शागिर्द हैं, बिल्कुल इस लिहाज से हम लोग गुरु भाई हैं। हम लोग उस क्रांतिकारी परंपरा में विश्वास रखते हैं जो सच को सच और झूठ को झूठ कह सके। कुछ लोगों को बगीचे में हर रंग का फूल पसंद नहीं है, और जिनको बगीचे में हर रंग का फूल पसंद नहीं है वो आजकल देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मैं कहता हूं ये लड़ाई आमने सामने की है। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान की एकता में जो भरोसा रखते हैं वो हमारी तरफ आएंगे, और ढोल से की तरह जो कायम है, जो गोली चलाते हैं वो उधर जाएंगे। ये लड़ाई आमने सामने की है। हमने ये तय किया है, हमने ये तय किया है कि अपने सांस के आखिरी वक्त तक, खून के आखिरी कतरे तक, यह जो भारत का निर्माण हुआ है, भारत की जो ये संकल्पना है, इस संकल्पना को हम टूटने नहीं देंगे। कई बार कुछ साथी कहते हैं, अभी हमारे एक दोस्त कह रहे थे आलोचना की, ठीक ही तो है, जो अजीमाबाद की ऐतिहासिक धरती पर बिस्मिल साहब ने शेर लिखा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसी शेर में एक और पंक्ति है, अब तेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है। करने चाहिए आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप हमको प्यार करने वाले लोग हैं, हम आपको प्यार करने वाले लोग हैं। आप मेरा सम्मान करते हैं, हम आपका आत्मसम्मान करते हैं। तो हम आज खुली महफिल में आप सबके सामने ये वादा दोहराते हैं कि ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, महात्मा बुद्ध को यहाँ ज्ञान मिला है, बिहार की धरती तप की धरती है, महावीर को तप से जो है त्याग का ज्ञान मिला है, और बिहार की धरती परिश्रम की धरती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां बिहार के लोग जाकर के मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन हमको सम्मान मिलना चाहिए। उस सम्मान की जगह आज हमको गाली और गोली मिल रही है। मैं बिहार के आप तमाम साथियों से, पटना साहब के तमाम साथियों से एक वादा दोहरा रहा हूं कि हमारी लड़ाई इसी बात की है कि बिहार के आत्मसम्मान को दोबारा प्राप्त किया जाए। और आपके सामने हम कह रहे हैं रणनीतियां होती हैं। शकील साहब ने कहा कभी चुप रहिए कभी बोलिए। गुजरात से हमारे एक दोस्त आए हुए हैं, दो गुजराती देश को बेच रहा है और दो गुजराती देश को खरीद रहा है। तो मैं उस गुजरात की महान जनता को अपना सम्मान देते हुए ये कहना चाहता हूं कि एक गुजराती जब बिहार आए थे मोहनदास करमचंद गांधी, तो हमने उनको महात्मा बनाकर के भेजा था, ये बिहार की धरती है। आज फिर से ये जरूरत आन पड़ी है कि मुख में राथू राम बगल में छुरी, ये जो करने वाले लोग हैं इनका पर्दा फाश किया जाए, सच को सच और झूठ को झूठ कहा जाए, और सच कहने की कीमत चाहे जो भी हो उसको चुकाने के लिए हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। और इसीलिए जब हम जेल से बाहर आए थे तो बात कहे थे, भैया हमारा जन्म बिहार में हुआ है,
बिहार में जब बच्चा होश संभाल लेता है ना, तो उसको एक बात सिखा दिया जाता है, बेटा जिंदगी अगर जीना चाहते हो तो लड़ना सीख लो, जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पे मरना सीखो, यह बात उनको सिखा दी जाती है। और हम देखना चाहते हैं कि आपके जेलों में कितनी जगह है, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे, ये हमारा संकल्प है। इसीलिए जब हम अशफाकुल्लाह खान को आज याद कर रहे हैं तो हमको उनको कौमी एकजहती के रूप में याद करना चाहिए, उनको कौमी एकता के रूप में याद करना चाहिए। और हमको ये समझना चाहिए कि हर जगह लोगों को भड़काने वाले लोग होते हैं, मूर्खों का कोई गांव नहीं होता है, हर गांव में मूर्ख पाए जाते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि नफरत फैलाना आसान है, किसी चीज को तोड़ना आसान है, मोहब्बत का पैगाम फैलाना मुश्किल होता है, किसी को जोड़ना मुश्किल होता है। और हमको जो आपस में बांटा गया है धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर, इसी का नतीजा है कि आज हम अपने बुनियादी सवालों को लेकर सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे हैं। अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन आजादी का जो मुकम्मल सपना था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। यह सवाल हमको पूछना चाहिए कि भैया रेलवे आप बेच दे रहे हैं, रेल नहीं होगा तो रेल मंत्री का क्या कीजिएगा, झाड़ लगेगा बताइए। कांग्रेस के एक नेता थे, आजकल हवाई जहाज के मंत्री बने हैं, तो जब एयर इंडिया पद बिक गया तो हवाई जहाज का मंत्री लेकर क्या कीजिएगा, आरती कर लेगा। क्या सवाल हमारे मन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि भाई सरकारी स्कूल नहीं होगा, सरकारी अस्पताल नहीं होगा, सरकारी सड़क नहीं होगा। कभी सोचे कार जब आप खरीदते हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो रोड टैक्स देते हैं नहीं देते हैं, तो एक बार रोड टैक्स लीजिएगा और उसके बाद जब यहां से पटना से लखीसराय जाएंगे तो रास्ता में दो बार जो है टोल टैक्स लीजिएगा। काहे बात, किस चीज का, कौन से अपराध का सजा आप हमको बार बार दे रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, बस बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं। ऐसा लगता है कि देश को इन्होंने हरेक माल का दुकान बना दिया है। बच्चा को खेलने वाला खिलौना लीजिएगा 10 रुपया, रोटी पेलने वाला चपला लीजिएगा 10 रुपया, पूरे देश को ऐसा लगता है कि बिकवाली पे छोड़ रखा है। और हमारे दिमाग में ये बात ना आए इसीलिए रोज रोज नया नया इवेंट कराया जाता है। अभी क्या इवेंट कराया गया कि 100 करोड़ टीका लगा है, एक मिनट, 100 करोड़ लोगों को कितने टीका लगा है, एक डोज लगा है कि 2 डोज लगा है, सोचने वाला बात है ना। अगर 2 डोज लगा है 100 करोड़, मतलब 50 करोड़ लोग को लगा है। देश की आबादी कितनी है, प्रधानमंत्री हर भाषण में कहते हैं 135 करोड़, तो 135 करोड़ में 50 करोड़ लोग को लगा है, मतलब आधा लोग को भी नहीं लगा है। तमाशा कितना बड़ा है, ढोल कितना बजाया गया है कि ऐसा सकुचिया प्रधानमंत्री है कि आपको जो है निम्बक जो है ना स्नो पाउडर घर करके बेच देना है। हाथ बाजार के दुकान में जाते हैं कैसे ठक लेगा, चूहा मारने वाला दवा ले लो, खीर मारने वाला दवा ले लो, खटमल मारने वाला दवा ले लो, इस टाइप से देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं मेरे प्रिय भाजपा के दोस्तों को, सर्वानुभव दोस्त, हम तुमको बिल्कुल नहीं कोसेंगे, अरे गलती हो जाती है यार, गलती हो गई लेकिन गलती को स्वीकार करो, हिम्मत करो, आओ सड़क पे और पूछो अपने प्रिय प्रधानमंत्री से कि वे भैया कहाँ गया 15 लाख रुपया, ये सवाल पूछने क्यों नहीं हो, ये आज का सवाल है। सवाल ये है कि क्यों नहीं 2 करोड़ नौकरी मिली भाई, और ये बिहार की धरती है। अभी कोरोना में हमने क्या स्थिति देखी है, अस्पताल नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जन्मदिन मना रहे हैं, कहे भाई
75 साल के प्रधानमंत्री का छठियारा गाया जाएगा, बूढ़ का पुष बनता है, कौवा को मोर का पंखी लगा दीजिएगा कि मोर हो जाएगा। काहे नहीं सोचते हैं इस सवाल को, क्या दिक्कत है इसको सोचने में? और अगर आपके सोच से आपको लगता है कि देश में कुछ गलत हो रहा है तो भारतीय होने का धर्म नहीं है कि सच को सच और झूठा को झूठा बोलिए। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.